संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोलो साकार हरि की, बोलो संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जोर से बोलो साकार हरि की, जय जय बोलो संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सात संगत को प्रणाम हो। सात संगत कैसे हैं? सब ठीक हैं? सब अच्छे हैं? सात संगत को प्रणाम हो। सात संगत जी, ये बच्चे की मीठी वाणी कैसी लगी आप जरूर बताना। सात संगत जी, जो छोटा बच्चा है उसने परमात्मा का नाम लिया तो जीवन में उसने अपना जीवन खुशहाल किया। आपके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे तो उनको भी परमात्मा का नाम लेवाएं। सात संगत जी, परमात्मा का नाम लेने से बुद्धि पवित्र होती है और जीवन में अच्छे विचार आते हैं, हमेशा अच्छा काम होता है। जिसने भी मेरे परमात्मा का सहारा लिया उसके जीवन में आनंद परमानंद सुख शांति आती है। सात संगत जी, इस कलयुग में केवल हरि का ही नाम ऐसा है जो हम सब जीवात्माओं का उद्धार कर सकता है। सात संगत जी, और दुनिया में हमारा आपका उनके सिवा न कोई था न कोई है न होगा। ऐसा ही एक भजन हमारे बाबा आदरणीय ठेकेदार नाम है शिव कुमार नाम है, वो बाबा भजन गाने जा रहे हैं। बहुत भक्ति है उनके अंदर, परमात्मा की भक्ति करते हैं। मैं चाहती हूँ बाबा से वो भजन गाएं। बाबा गाएं, हाँ बाबा गाएं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हाँ बाबा गाएं। नारायण ही प्रभु जी नारायण। सात संगत जी, बाबा याद कर रहे हैं भजन, गाएं बाबा। हाँ तो गाय नीक गाय, बाबा नीक कहते हैं, नीक माने बढ़िया। आपकी गांव की इधर की गोंडा जिला की भाषा है नीक बढ़िया। बड़का कहते हैं बड़े बेटे को, बड़का हर जगह की भाषा होती है, हर जगह घूमती तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा सोच रहे हैं नीक भजन गाए। दिन का मेला रहेगा ओ कायम जगत का प्रभु झमेला रहेगा, अगर मनुआ दो दिन का मेला रहेगा कायम जगत का ये झमेला रहेगा। मनुआ दो दिन का ऊंचा था महल बनाएगा तो किसी काम का आएगा, लाखों हाथियों ऊंटों का झुंड आएगा तो किसी काम का आएगा, लाखों तोड़ा कमाएगा तो किसी काम का। अरे सबर के बता दे देखो, सबर के बता दे देखो, बांधे के ठंडरी का ठेला रहेगा, अगर मनिया दो दिन का मेला रहेगा कायम जगत का ये झमेला रहेगा, अगर मनवा दो दिन का मेला रहेगा, ऊंचा था महल बनाएगा तो किसी काम का आएगा, लाखों तोड़ा कमाएगा तो किसी काम का। तेरे तो बड़ा ही कैसा देख बाजे के ठंडरी कठेला रहेगा, अगर मन ये दो दिन का मेला रहेगा। कहे बिंद जी बदू भज नहीं है साथी, कहे बिंद जी बदू भज नहीं है साथी, कौड़ी न झमती है तो अधेला रहेगा,
अगर मनिए दो दिन का मेला। सात संगत जी, बाबा ने बहुत अच्छा भजन गाया कि जगत में दो दिन का मेला है। वो कौन सा दो दिन का मेला है? संसार में आपने परमात्मा की भक्ति करी, परमात्मा का नाम लिया, वो तो समय आपका लिखा जाएगा। और दुनिया में समय लिखा, जो दुनिया में जो समय लिखा गया है संसार में, दुनिया के क्रिया काम कलाप के काम करते हो तो वो समय नहीं लिखा जाएगा सात संगत जी। और जब मरते समय जाओगे तो सात संगत जी कुछ नहीं जाएगा। ये बाबा के मुखमंडल से भजन के बोल आ रहे थे सात संगत जी। ये भजन कैसा लगा जरूर बताना सात संगत जी। और मेरे चैनल प्रेम सखी ममता शर्मा के नाम से सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, आगे बढ़ाया करो। आप सबकी महान कृपा होगी सात संगत जी। ये जीवन में जितने भी अपने हैं हमारे साथ ही साथ कोई नहीं जाते। जब जंगल में हजारों लाखों पेड़ होते हैं, कितनी उनकी टहनियाँ आपस में मिली रहती हैं, आपस में उनका प्रेम होता है, लगता है कि उनको कोई अलग नहीं कर सकता सात संगत जी। जब शिकारी वहाँ पे आता है जो जंगल को बेच देता है, एक एक लकड़ी को काट देता, पीट देता है और काट पीट के तोड़ के उनको ले जाता है सात संगत जी ट्राली में डालकर, और सात संगत जी उनको बेच देता है, टहनियाँ टहनियाँ अलग हो जाती हैं। उसी प्रकार आपका कितना भी बड़ा कुनबा क्यों ना हो, चाहे परिवार में हजारों नर नारी क्यों ना हो, आपके भाई बहन क्यों ना हो, जिस दिन परमात्मा के यहाँ से बुलावा आ जाएगा तो कोई भी आपके साथ ही साथ जलेगा नहीं, ना कोई आपके साथ जाएगा सात संगत जी। ये दुनिया के रिश्ते सब जीते जी के, मरने के बाद कोई साथी साथ नहीं देता। हाँ, एक सच्चा रिश्ता है, वो रिश्ता है परमात्मा से, उनसे लिव लगा लो तो जीवन में सुखियाँ, जीवन में शांति, जीवन में आनंद परमानंद सब मिलेगा सात संगत जी। परमात्मा के नाम से ही खुशियाँ मिलती हैं, साकार हरि के नाम से, और दुनिया में हमें कोई खुशियाँ नहीं दे सकता सात संगत जी। भजन कैसा लगा जरूर बताना, और आप सात संगत को मेरा प्रणाम हो, अपने बच्चों को और अपने जो भी हैं उनको परमात्मा का नाम मन से परमात्मा का नाम कहलवाया करो। परमात्मा का नाम कहलाएंगे तो उनकी आत्मा शुद्ध होगी, पवित्र होगी, मन साफ होगा सात संगत जी। भजन कैसा लगा जरूर बताना, सात संगत को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। सर्वेश्वर नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सात संगत को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। ठीक।